राजा की पूछ वाली काली बेटी। सुंदरगढ़ राज्य के राजा महेंद्र सिंह के घर वर्षों बाद जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ। बड़ी बेटी माहिरा दिखने में बहुत ही सुंदर थी, वहीं छोटी बेटी सायरा बहुत ही ज्यादा काली थी। हद तो तब हो गई जब सायरा थोड़ी बड़ी हुई तो उसके पीछे एक बंदर के जैसे पूछ बनी हुई थी, जिस वजह से सायरा को हर कोई काली बंदरिया कहकर चढ़ाया करते थे। सायरा का यूँ कुरूप रंग रूप और उसके पूछ को देखकर हर कोई उस पर हंसा करता था, जिस वजह से राजा और रानी को भी कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। सायरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से अपने कमरे में जाओ। माँ, मैं दीदी के साथ खेलने जा रही थी। क्या कहा? माँ, इस पूछ वाली काली बंदरिया को अच्छे से समझा दो, मैं इसकी बहन नहीं हूँ। वो तो मेरी बदकिस्मती है जो ये मेरे साथ पैदा हो गई। और तो सुन पूछ वाली बंदरिया, खबरदार जो मुझे अपनी बहन कहा तो। एक बार तो अपने आप को देख और मुझे देख, कहाँ से तू मेरी बहन लग रही है। सायरा बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, कमरे से बाहर मत निकला करो। एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? चलो अब जल्दी से अपने कमरे में जाओ। सायरा उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। तभी रानी रूपवती से मिलने उसकी सहेली भानुमति उसके महल आती है। अरे आओ आओ भानुमति, और बताओ तुम्हारा युवराज कैसा है? युवराज? अरे वो तो चांद का टुकड़ा है, मेरा बेटा हीरा है हीरा। होगा भी कैसे नहीं, आखिर वीर खानदान का इकलौता वारिस जो है। वैसे तुम्हारी भी तो बेटी है ना, राजकुमारी कहीं नजर नहीं आ रही। अरे मेरी बेटी, वो देखो ये है मेरी बेटी माहिरा। माहिरा नहीं माँ, राजकुमारी माहिरा। अरे वाह, जितना सोचा था उससे बढ़कर पाया है। परी की तरह सुंदर है तुम्हारी बेटी। अगर ईश्वर ने चाहा तो हमारी ये दोस्ती एक दिन रिश्तेदारी में जरूर बदलेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी उधर से सायरा भागते हुए बाहर आ जाती है। हे भगवान, अरे रूपवती, ये तुम्हारे महल में इतनी काली और ये बंदर की तरह पूंछ वाली लड़की कौन है? ये सुनकर रूपवती थोड़ा रुक जाती है और फिर कहती है, अरे ये हमारी दासी की बेटी है, इसका अब कोई रहा नहीं तो अब से ये हमारे यहाँ ही रहती है। छी रूपवती, तो इस काली बंदरिये को अपने साथ महल में क्यों रखी है? दासी है तो दासी के कक्ष में बोलो रहने के लिए। इसे देखकर एक पल को तो मैं डर ही गई थी। एक तो दिखने में इतनी काली है, ऊपर से इसका ये अजीब सा पूंछ, जानवर से कम नहीं लग रही। क्यों माहिरा बेटा? बिल्कुल सही कहा रानी माँ आपने। ये सुनकर सायरा को बहुत ही बुरा लगता है और वो अपने कमरे में आकर रोने लगती है। हे भगवान, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? आखिर मेरी गलती क्या है? किस बात की सजा मिल रही है मुझे? लोग तो कहते हैं राजकुमारियाँ तो मेरी बहन माहिरा की तरह सुंदर होती है, फिर मैं भी तो राजकुमारी हूँ, फिर मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ? और मेरा ये पूछ, ये बंदरों से पूछ सिर्फ मेरा ही क्यों है? सायरा के मन में लाखों सवाल थे जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। इधर महल में राजा और रानी को भी सायरा को लेकर अक्सर शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। महाराज, सायरा की कुरूपता और उसका पूंछ समय के साथ साथ और भी बढ़ता ही जा रहा है। मैंने उसे इतने सारे वैद्य से भी दिखा लिया लेकिन सब व्यर्थ हो गया। वैद्य जी का कहना है कि उसका ये पूंछ वाला बीमारी कभी खत्म नहीं होगा। महारानी, तो हमें ऐसी बेटी नहीं चाहिए जो हमारे और हमारे राज्य के शर्मिंदगी का कारण बने। पर महाराज, अब हम कर भी क्या सकते हैं? एक रास्ता है, हमें इस पूंछ वाली कुरूप लड़की को किसी सुनसान जंगल में छोड़ आते हैं। ये सोचकर राजा ने सायरा को बुलाया। बेटा, क्या तुम हमारे साथ शिकार पर चलोगी? जी पिताजी, मैं चलूंगी, मैंने आज तक कभी बाहर का दृश्य नहीं देखा है। ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। राजा और राजकुमारी दोनों घोड़े पर बैठकर जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। राज्य से काफी दूर एक घना जंगल पड़ता था। राजा सायरा को वहाँ ले जाता है। सायरा बेटा, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ, कहीं कोई शिकार दिखाई दिया फिर तुम्हें आकर ले चलूंगा। तब तक तुम यहीं रहना, ठीक है? ठीक है पिताजी, जल्दी आइएगा। राजा जल्दी से अपने घोड़े पर बैठकर और सायरा को वही जंगल में अकेला छोड़ महल वापस आ गया। रानी, मैंने उस मनहूस कुरूप पूंछ वाली बेटी को जंगल में छोड़ दिया है। आज से हमारी एक ही बेटी है, माहिरा।
अच्छा किया आपने। वैसे भी उसकी वजह से हम सबको शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। चलिए आप थक गए होंगे, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। इधर जंगल में सायरा अपने पिता के आने का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते उसे जंगल में रात हो गई, पर राजा वापस नहीं आया। ये देखकर सायरा घबरा गई। हे भगवान, इतनी देर हो गई पर पिताजी अब तक नहीं लौटे। कहीं पिताजी कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गए? हे भगवान, मेरे पिताजी की रक्षा करना। कहीं किसी जानवर ने पिताजी पर हमला तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, मैं खुद ही चलकर देखती हूँ। ये सोचकर सायरा जंगल में इधर उधर भटकने लगी। पिताजी, पिताजी, कहाँ हो आप? सायरा ने बहुत आवाज लगाई, लेकिन उसे कहीं भी राजा दिखाई नहीं दिया। वो बहुत निराश हो गई और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहीं सो गई। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो सायरा को बहुत जोरों की भूख लगी। क्या करूं, बहुत तेज भूख लगी है। मुझे कहीं से कोई फल खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, बहुत तेज भूख लगी है। राजकुमारी फल की तलाश में जंगल में और भी ज्यादा अंदर चली गई, जहां उसे एक फल का पेड़ दिखाई दिया। उसने उस पेड़ में से फल तोड़े और उसे खाकर अपनी भूख मिटा ली। दिन भर सायरा जंगल में अपने पिताजी को ढूंढती रही, लेकिन उसे कहीं भी उसके पिताजी नहीं मिले। लगता है अब पिताजी मुझे लेने कभी वापस नहीं आएंगे, अब मुझे इसी जंगल में रहना पड़ेगा। सायरा ने जंगल में अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसी में रहने लगी। सायरा को जंगल में रहने वाले प्यारे प्यारे खरगोश बंदर सबसे दोस्ती हो गई, जिसके साथ वो पूरा दिन खेलती और रात को अपनी झोपड़ी में जाकर सो जाती। एक दिन सायरा को जंगल में एक हिरण दिखा, जिसको कई सारे तीर लगे हुए थे। सायरा ने उस हिरण को उठाया और अपनी झोपड़ी में ले गई और उसके शरीर से तीर निकालकर उसके जख्मों पर पट्टी बांधी। उसने जैसे ही उस हिरण के तीर निकाले, वो हिरण एक परी में बदल गई। तुम कौन हो बेटी, और इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? मेरा नाम सायरा है और मैं राजा महेंद्र सिंह की बेटी हूँ। मैं उर्वशी परी हूँ और मुझे एक साधु ने श्राप देकर हिरण बना दिया था, लेकिन आज तुम्हारे सच्चे और नेक दिल की वजह से मुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिल गई। बेटी, ये क्या, तुम्हारे पास ये बंदर जैसा पूंछ क्यों है? ये सुनकर सायरा रोने लगी। पता नहीं परी जी, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसकी भगवान ने मुझे ये सजा दी है। एक तो मैं इतनी काली बदसूरत हूँ, ऊपर से मेरा ये काला रंग शायद इसी वजह से मुझे कोई पसंद नहीं करता, और तभी मेरे पिताजी भी मुझे इस सुनसान जंगल में मरने के लिए अकेला छोड़ दिए। देखो बेटा, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। और किसने कहा तुम सुंदर नहीं हो? तुम्हारा दिल सोने जैसा है और तुम बहुत ही प्यारी हो। और खबरदार जो खुद को अकेला समझा तो, मैं हूँ ना, अब से मैं भी तुम्हारे साथ इसी जंगल में रहूंगी। और फिर सायरा परी के साथ खुशी खुशी जंगल में रहने लगी। सायरा को जब भी किसी भी चीज की जरूरत होती तो परी अपनी जादू से उसे वो लाकर दे दिया करती थी। उधर महल में राजा की तबीयत काफी दिनों से बहुत खराब रहने लगी और उसकी तबीयत में कोई सुधार हो ही नहीं रहा था। राजमाता, आखिर हुआ क्या है इन्हें? इन पर दवाइयों का कोई असर क्यों नहीं हो रहा? इस महल पर घोर संकट आने वाला है महारानी। तुम लोगों ने अपनी बेटी को जंगल में मरने के लिए छोड़कर अच्छा नहीं किया, ये सब उसी का परिणाम है। तुम लोगों के कर्मों की सजा वो मासूम बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। हमारी गलती? राजमाता, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बताइए, आखिर हमसे कौन सी भूल हुई है? ये तुम मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो रानी। याद करो, आज से ठीक 18 साल पहले जब तुम गर्भवती थी और बगीचे में टहल रही थी, उस समय बगीचे में कालिका नाम की काली परी थककर एक पेड़ की शाखा पर सो रही थी। तुमने उसकी निंद्रा भंग करते हुए हंसते हुए उससे कहा था। कालिका परी, आपको क्या हो गया जो आप आजकल परीलोक छोड़कर यूं बंदरों की तरह पेड़ पर सो रही हो? कहीं काली होने की वजह से परीलोक से आपको निष्कासित तो नहीं कर दिया गया? ये सुनकर कालिका परी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से रानी परी को श्राप दे देती है। तुम्हें अपने रंग और महल पर बहुत गर्व है ना रानी, लेकिन तुम्हारी अपनी ही संतान ऐसी होगी जिसे तुम्हें सबके सामने बेटी मोलने में भी शर्म आएगी। वो काली बंदर की जैसी पूंछों वाली होगी, ये मेरा श्राप है। हाँ राजमाता,
लेकिन मैंने उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए महायज्ञ भी तो करवाया था और सभी परियों से उस भूल के लिए क्षमा भी तो मांगी थी। लेकिन उसका श्राप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ईश्वर ने तुम्हें दो बेटी दी, जिसमें तुम्हारी छोटी बेटी क्रूर बंदर की तरह पूंछ वाली हुई। वो आपकी गलती थी महारानी, और आप लोगों ने अपनी गलती से बचने के लिए उस मासूम को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। ये सब उसी का नतीजा है। राजा तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक आप राजकुमारी सायरा को वापस महल नहीं ले आते। ये सब सुनने के बाद राजा और रानी दोनों को अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे महाराज, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से मेरी बच्ची मुझसे दूर हो गई, और आपकी इस हालत की जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। इधर सायरा आज सुबह से ही बहुत उदास थी। सायरा, क्या हुआ? आज तुम इतनी दुखी क्यों हो? परी जी, मुझे मेरी माँ पिताजी की बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हें अभी तुम्हारे माँ पिताजी के पास पहुँचा देती हूँ। नहीं परी जी, मेरी माँ पिताजी को मेरी वजह से हर जगह शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मेरे इस रोग की वजह से हर कोई मेरा और मेरे परिवार वालों का मजाक उड़ाता है, और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उन्हें ये शर्मिंदगी फिर से झेलनी पड़े। अरे बुद्धू, मैं हूँ ना, तुमने मेरी जान बचाई है, फिर इतना तो मेरा फर्ज बनता है। ये देखो, अब बताओ। परी जैसे ही अपना जादुई छड़ी घुमाती है, सायरा एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है। क्या ये मैं हूँ? और मेरी पूंछ गायब हो गई? आपको बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। अब चलो, अपने घर चलने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर दोनों अपनी आंखें बंद करते हैं और राजमहल में आ जाते हैं। माँ, पिताजी। सायरा बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, हमने तेरे साथ बहुत गलत किया बेटा, हमें माफ कर दे। देख, तेरे जाने के बाद तेरे पिताजी की क्या हालत हो गई। बेटा, अपने इस बाप को भी माफ कर दे, जो अपने ही हाथों से तुझे मरने के लिए जंगल में छोड़ आया। माफ कर दे बेटा। माँ पिताजी, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। जो भी हुआ है, मैं उन सब चीजों को भूल चुकी हूँ। आप लोग भी भूल जाइए, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, और मेरी पूंछ वाली बीमारी भी खत्म हो गई है, और मैं महिरा दीदी की तरह ही सुंदर हो गई हूँ। ये सब सुनकर रानी सायरा को अपने गले से लगा लेती है। परी राजा को ठीक कर देती है, और फिर सभी मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती है आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।